हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल कॉलर वाली कुर्ती में पैटर्न डिज़ाइन। इस कॉलर वाली कुर्ती में पैटर्न डिज़ाइन बनाने के लिए हमारा ब्रॉड और डीप नेक कटने वाला है, और इसी के लिए हमने अपनी सिंपल ही कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग ली हुई है। साथ ही हमने अपना मैचिंग कपड़ा लिया है और कुछ बटन लिए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना नेक कट करते हैं। तो दोस्तों, नेक कट करने से पहले हम आपको अपनी बुकरम का साइज़ बता देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी बुकरम की जो लंबाई ली है 13 इंच ली है, यानी 13 इंच। चौड़ाई ली है हमने यहाँ पर 15 इंच, यानी 15 इंच। बुकरम को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच का हाफ करेंगे 5.5। तो यहाँ 5.5 पर हम अपना निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक निशान हम लगाएंगे अपने नेक की लंबाई का। नेक की जो लंबाई है हमारी है 11 इंच, यानी 11 इंच। तो जैसे हमने यहाँ पर 5.5 पर निशान लगाया है, वैसे ही एक निशान 5.5 पर और लगाएंगे। अब हम अपने सारे निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे, और अब हम इसके अंदर की तरफ गोलाई देंगे। और बाहर की तरफ चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर हम अपनी लगभग 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा काट लेंगे। तो अब हम अपना नेक कट करेंगे अंदर से पहले। इस पैटर्न को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका मार्किंग लगाने के काम आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा नेक कट हो गया है। अब हम इस नेक को एक कपड़े पर लेंगे और चिपका लेंगे। इसके बाद जो ऐसे नॉर्मली नेक बनते हैं, उसी तरीके से हम अपना नॉर्मली नेक बना देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को एक कपड़े पर चिपका लिया है और थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। दोस्तों, अगर आपकी बुकरम चिपकाने वाली है तो आप उसे चिपका लें, अगर चिपकाने वाली नहीं है तो आप उसे सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं। अब हम अपने नेक को कुर्ती पर रखकर अटैच करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी आप फुल कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे, जैसे नॉर्मल साइज़ की कुर्ती की कटिंग करने के लिए आपका तीरा 12 इंच रहता है, तो फुल कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करने के लिए आपको 4 इंच तीरा बढ़ाकर काट लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना 16 इंच तीरा काटा हुआ है। अब हम अपने नेक को कट से कट मिलाकर सेंटर में मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर भी हम अपना चाक से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी कच्ची सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर अंदर की सिलाई लगाएंगे, साथ ही हम इसके अंदर का कपड़ा भी कट कर देंगे। और अब हम अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है। अब हम इसके बीच का पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैचिंग कपड़ा लिया है। तो अब हम अपना पैटर्न बनाते हैं। तो दोस्तों, पैटर्न बनाने से पहले हम आपको अपने कपड़े का साइज़ बताते हैं। हमने यहाँ पर अपने कपड़े की जो लंबाई ली है 26 इंच ली है, यानी 26 इंच। चौड़ाई जो हमने ली है 14 इंच, यानी 14 इंच। कपड़े को फिर क्या करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर सही से मिला लेना है, या ऐसा ना हो कि कपड़ा आगे पीछे हो जाए। और ये हमारा 20 सेंटर है। 20 सेंटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1+1/2 इंच पर, यानी 1.5 इंच पर। ऐसे ही एक सेम निशान दूसरी साइड लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर अपना कट लगा लेंगे। इसी तरह कट हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। ये हमने अपना कट लगा लिया है। अब हम कपड़े को इस तरह खोलेंगे। खोलने के बाद में हम अपना ये वाला कट और ये वाला कट इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इसका हम सेंटर बना देंगे प्रेस से। इसी तरह हम अपने दूसरे वाले कट पर भी सेंटर बना देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपना सेंटर बना दिया है। इसके बाद हम अपना ये वाला सेंटर फिर से पकड़ेंगे और 1/2 इंच से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, यानी पिनटेक्स बन जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर 1/2 इंच से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेते हुए सिलाई लगाएंगे, और आपको यहाँ पर अपनी सिलाई का टांका थोड़ा छोटा कर लेना है। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद में हम अपनी पिनटेक्स को इस साइड पर गिराएंगे। गिराने के बाद में इससे 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे।
अपने ये वाले निशान को और ये वाले निशान को इस तरह से पकड़ेंगे और नाखून से इस तरह से लाइन काट लेंगे। ध्यान रहे आपका कपड़ा इसमें टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका नीचे का कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, बस आपको कपड़े को सीधा ही पकड़ना है। जितना मार्जिन हमने इस वाली प्लेट्स में लिया है इतना ही मार्जिन इसमें लगा लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी ये वाली प्लेट्स को भी इसी तरह से इधर की तरफ गिराएंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 5 पिनटैक्स पड़ चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह हम 5 पिनटैक्स अपनी ये वाली साइड पर डालेंगे, लेकिन इसे बीच वाला सेंटर छोड़ के डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जो बीच वाला सेंटर है इससे हटकर एक निशान लगाया था हमने, इस पर अपनी पिनटैक्स डालेंगे। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, जितना मार्जिन हमने अपनी ये वाली प्लेट्स में लिया है इतना ही मार्जिन अपनी ये वाली प्लेट्स में लेंगे। तो ये हमने अपनी पिनटैक्स डाल दी है। इसके बाद जैसे हमारी इन पिनटैक्स का मुंह इधर की तरफ है तो ये वाली का हम मुंह इधर की तरफ रखेंगे, यानी दोनों का टन आपस में अलग अलग रखेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी प्लेट्स हैं डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी दोनों तरफ पिनटैक्स डाल दी हैं। इसके बाद हम लेंगे जो अपने नेक में बीच वाला पैटर्न निकला था उसको, ये हमारा बीच वाला पैटर्न है, इसमें हमने बीच सेंटर में एक कट लगाया हुआ है और एक नीचे की तरफ, और ये बीच सेंटर की जो लाइन देख रहे हैं इस पर मिलाकर रखेंगे। बढ़िया तरीके से मिला लेंगे, ध्यान रहे आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा मार्जिन आना चाहिए आपका, और फिर मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ करके एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो दोस्तों कपड़ा काटने के बाद में हम अपने निशानों के ऊपर एक ट्रायंगल वाली लेस लगाएंगे। ये हमारी ट्रायंगल वाली लेस है, मार्केट में आपको आसानी से 15 रुपये मीटर मिल जाएगी। दोस्तों लेस लगाने का एक तरीका है जो हम आपको सही से बता देते हैं। दोस्तों ये जो चौड़ी वाली साइड है इसको हम निशान से बाहर की तरफ निकालेंगे और ट्रायंगल हमारे निशान के अंदर रहेंगे इस तरीके से। और दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सीधी ट्रायंगल वाली लेस है, आसानी से लग नहीं पाएगी। तो दोस्तों ट्रायंगल वाली लेस कहीं पर भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो दोस्तों ये हमारी लेस लग गई है। इसके बाद अब हमारा पैटर्न बिल्कुल तैयार है कुर्ती में अटैच होने के लिए। तो दोस्तों पैटर्न को अटैच करने के लिए हमने अपनी कुर्ती के कलर का धागा चढ़ा लिया है। इसके बाद हम अपने पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे। ये जो लेस दिख रही है इसमें हमें सिर्फ ट्रेंगल ट्रेंगल दिखाने हैं इस तरीके से, बाकी छुपा देना है और सिलाई लगा देनी है करने की। तो अब हम अपनी सिलाई लगाते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे आपको यहाँ पर छोटी सिलाई चलानी है, अगर आप बड़ी सिलाई चलाएंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर काम में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है, अगर आप तेज़ी करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। आप अगर इसी तरह से काम करेंगे तो आपका भी फिनिशिंग के साथ काम तैयार होगा। अब हम इसका बीच सेंटर वाली जो लाइन देख रहे हैं इसको बीच सेंटर से कट कर देंगे 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़कर। ये हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ दिया है, उसके बाद बाकी कट कर दिया है। अब हम लेंगे कुर्ती की मैचिंग के कलर की 2 पट्टियाँ। तो दोस्तों ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों का हम अपना ताबीज बनाएंगे। दोस्तों एक पट्टी में आपको किनारा रखना है और एक पट्टी आप कैसी भी ले सकते हैं। इनकी चौड़ाई हमने एक पट्टी की रखी है 3.5 इंच और लंबाई रखी है 14 इंच, और दूसरी वाली पट्टी की हमने लंबाई रखी है 11 इंच यानी 11 इंच और चौड़ाई रखी है 2 इंच। तो हम सबसे पहले 2 इंच वाली पट्टी यूज़ करेंगे। दोस्तों ये वाली पट्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारी बटन टेक वाली पट्टी है, यानी यहाँ पर हमारे बटन लगेंगे और बटन हमारे उल्टे हाथ पर लगते हैं। तो ये हमारा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ पर हम अपनी बटन वाली पट्टी को इस तरह अटैच करेंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए, और जितना हमने कट लगाया है इस कट से हम 1/2 इंच कपड़ा नीचे की तरफ निकालते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद जहाँ पर हमने सिलाई शुरू करी थी वहाँ एक तिरछा कट लगाएंगे इस तरह से। ये हमने अपना कट लगा दिया है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। अब हम अपनी पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो अंदर वाला मार्जिन है इसको इधर की साइड में गिराते हुए इस तरीके से अपनी पट्टी को रखेंगे। पट्टी की चौड़ाई 1/2 इंच लगभग रहनी है और यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आपको काम में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है, अगर आप तेज़ी करेंगे तो आपका डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद हम अपनी सिलाई को इसकी कन्नी पर भी लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से आने के बाद में। और अब हम अपनी काज पट्टी तैयार करेंगे। तो काज पट्टी तैयार करने के लिए हमने ये अपनी 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। इसको हम पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फिर फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे वो लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और बीच सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में इसके बराबर में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब हम अपनी काज वाली पट्टी को इस तरीके से अपने पैटर्न को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में जहाँ तक हमने अपना कट लगाया है, ये देखिए कट हमारा, यहाँ पर हम ना 1/4 इंच का मार्जिन जैसे इसमें हमने छोड़ा है वैसे ही नीचे का 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। और नीचे की तरफ जो हमने यहाँ पर मिला लेना है और जितना निकालना है वो नीचे की तरफ सारा निकाल देना है। सिलाई लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक कट लगा देना है। जैसे हमने ये वाली पट्टी बनाने के लिए तिरछा कट लगाया था वैसे ही एक कट यहाँ लगा देंगे। अब हम अपने पैटर्न को सीधा करेंगे और नीचे जो हमने अपनी काज वाली पट्टी लगाई थी इसको ऊपर की तरफ इस तरह लेकर आएंगे और ये जो मार्जिन देख रहे हैं इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते हुए कन्नी की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे का जो हमारा देखिएगा एक्स्ट्रा मार्जिन आता है यहाँ पर, इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से कट करेंगे जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है उससे मिलाकर ये हमने कट कर दिया है। इसके बाद में हम अपनी सिलाई को पूरा कंप्लीट करेंगे और जो ये वाली साइड है हमारी बटन वाली इसको हम अंदर की तरफ अच्छी तरीके से कर देंगे। यहाँ पर आपको मिला लेना है, ऐसा ना हो सिलाई लगाते वक्त आपका ये वाला हिस्सा आगे पीछे हो जाए। अब हम अपनी सिलाई को यहाँ पर आकर रोक देंगे। जैसे हमारे नेक की गोलाई वाली सिलाई लगी है वैसे ही सिलाई हम दोबारा इस तरीके से घुमाएंगे फिर से लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नोक बनानी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो जितनी भी आपको नोक बनानी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा कपड़ा काट देंगे और नोक बनाते हुए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे नोक जब आप बनाएंगे तो जो आपकी कुर्ती का सेंटर है नोक आपकी कुर्ती के सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको काम में बिल्कुल तेज़ी नहीं करनी है, आराम से बनाना है ताकि आपकी नोक बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए। तो देखिए दोस्तों हमारी नोक बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ गई है। अब हम इसके बीच का सेंटर का जो कच्चा है इसको खोल देंगे। कच्ची सिलाई खोलने के बाद में अब हम इसके बीच का हाला काटेंगे कॉलर चढ़ाने के लिए। पहले हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जो हमने कटिंग की है। मिलाने के बाद में हम इसको निशान लगाएंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपना 3 इंच पर, जो हमारे नेक की ब्रॉडनेस रहती है 6 इंच, तो 6 इंच का 1/2 कर 3 इंच पर। और नीचे की तरफ जो हम निशान लगाएंगे वो भी हम अपना 3 इंच पर लगाएंगे। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इस निशान को इस निशान से बिल्कुल गोलाई का आकार देते हुए निशान लगा देंगे और कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा हाला कट गया है। अब हम अपने हाले पर कॉलर चढ़ाएंगे। तो दोस्तों कॉलर चढ़ाने के लिए हम अपनी कंधी जोड़ेंगे सबसे पहले।
तो कंधी जोड़ने के लिए हम अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का हमारा ये सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है, तो सीधे भाग पर हम अपनी कंधी जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों कंधी की सिलाई लगाने के बाद में हम इसकी गोलाई नापकर नॉर्मली कॉलर चढ़ा देंगे। जाहिर सी बात है आपको कॉलर चढ़ाना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको किसी आने वाली वीडियो में कॉलर चढ़ाना भी सिखा देंगे। अब हम इसमें अपना नॉर्मली कॉलर चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती में कॉलर लगा दिया है और नीचे की तरफ अपनी लेस लगा दी है, साथ ही हमने अपने डिज़ाइन वाले बटन भी लगा दिए हैं। इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बन करके कम्प्लीट हो गया है। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे और आपके चैनल रूफ फैशन पॉइंट को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।